أعوذ بالله السميع العليم العظيم من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة صلى الله عليه وسلم محمد برادران ایمانی اور محبان اہل بیت اطہار جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ در اہل بیت کی خدمت کے لیے ہماری آپ کی زندگی وقف ہے اور ہمارا مقصد خلقت بھی یہی ہے کہ ہم ان سے معرفت کا اظہار کریں اور اپنی پوری زندگی ان کی وفاداری میں صرف کریں. انشاءاللہ جو سلسلہ مجالس قائم ہوا ہے اس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, لیکن آج کی مجلس میں ان تمام مجالس کا ایک خلاصہ, تاکہ جو ہمارا نوجوان ذہن ہے اور جو ہمارا فیوچر ہے اور جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ان کے ذہن سے وہ چیزیں ہٹ جائیں کہ جن کے سبق سے بعض لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ گمراہی کے راستے پر نہ جائیں اور اپنے ان عقائد اور نظریات پر باقی رہیں جو ہمارے اسلاف نے قائم کی ہیں اور ہم کو بتایا گیا ہے. چنانچہ اس کے لیے آج صبح کو یہاں پہنچنے کے بعد ہی ایک عنوان ذہن میں آیا اور وہ عنوان ہے راہ نجات. راہ نجات کے عنوان سے یہ سلسلہ مجالس جو ہوں گی ان میں آپ حضرات کی خدمت میں بیان رہے گا کہ ہر تحریک, ہر موومنٹ جو شروع ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی نعرے سے شروع ہوتا ہے. جو اسلامی موومنٹ ہے, جو اسلامی تحریک ہے, اس کا سب سے پہلا نعرہ نجات ہے. دنیا میں بھی نجات, آخرت میں بھی نجات, اور نجات دینے والا وہ وعدہ کر رہا ہے جس کے اختیار میں دنیا بھی ہے, جس کے اختیار میں آخرت بھی ہے. بہت سی چیزیں ایسی آتی ہیں کہ جس میں انسان بحث کرتا ہے اور مباحثہ کرتا ہے کہ یہ افضل ہے یا وہ افضل ہے, یہ مفضول ہے یا وہ مفضول ہے, یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے, یہ کمتر ہے یا وہ کمتر ہے. مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ کیا افضل ہے, کیا مفضول ہے, کیا کمتر ہے, کیا نہیں کمتر ہے, کون برتر ہے, کون نہیں برتر ہے.
ये तो उस वक्त पता चलेगा कि जिस रसूल का हमने कलमा पढ़ा है वो बताएगा कि क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमको बताएगा कि वो क्या है। हमने जब माना सबसे पहले तो रसूल को माना, हमें रसूल से सब कुछ पता चला। अगर रसूल को आप हटा दीजिए बीच से तो आपके पास कुछ नहीं, ना खुदा रहेगा, ना काबा रहेगा, ना बैतुल मक़दस रहेगा, ना कुरान रहेगा, ना सीरत रहेगी, ना किरदार रहेगा। जो कुछ भी है वो ज़ात ख़त्मी मर्तबत जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने जब बताया कि वो खुदा है तो वो खुदा है। जिसको मोहम्मद ने कहा वो खुदा, वो खुदा। जिसको मोहम्मद ने कहा कि लायक़े क़िबला, वो लायक़े क़िबला। जिसका एहतराम मोहम्मद ने किया वो लायक़े एहतराम। जिसकी अजमत का इकरार मोहम्मद ने किया वो अजमत के लायक। जब तक के पैगंबर इस्लाम, आप दीन की नज़ाकत को समझिए कि दीन क्या है, जब तक के पैगंबर इस्लाम बैतुल मुकद्दस की तरफ सजदा करते रहे, पैगंबर को फॉलो करने वाले, उनकी पैरवी करने वाले, उनकी इताअत करने वाले बैतुल मुकद्दस की तरफ सजदा करते हैं, और जैसे ही पैगंबर इस्लाम ने खाने काबा की तरफ रुख किया, सबने खाने काबा की तरफ रुख कर लिया। इसका मतलब यह कि सबसे बड़ी अजमत और बरतरी जो हमारी जिंदगी में है वो सीरत रसूल की है, किरदार रसूल की है, अकवाल रसूल की है। रसूल जिधर सजदा करेंगे उधर हम सजदा करेंगे, रसूल जिसकी इताअत करेंगे उसकी इताअत करेंगे, रसूल जिसकी इज्जत का हुक्म देंगे उसकी इज्जत करेंगे, रसूल जिसको बताएंगे वो साहिब इज्जत होगा। रसूल की नजर में जो जलील और रुस्वा होगा, उम्मत की नजर में भी वही जलील और रुस्वा होगा। मोहम्मद वाले यही राह नजात है, यही हमारी कामयाबी की दलील। सबसे पहला नारा जो पैगंबर इस्लाम ने दिया वो ये था, कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो ताकि तुम नजात पा जाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह में नजात है। सबसे पहला नारा ये कि तुम्हें नजात चाहिए, लोगों को नजात चाहिए। तो नजात के लिए पैगंबर इस्लाम ने सामान मुहैया किया, नजात के लिए पैगंबर इस्लाम ने बातें आपको बताई, समझाई कि कयामत तक के लिए नजात का सबब क्या चीजें बनेंगी। इसीलिए पैगंबर इस्लाम ने वो तमाम चीजें आपको बताई, काबे की अजमत से वाकिफ कराया, कुरान की अहमियत से वाकिफ कराया और तमाम चीजें बताई। तो जिसको जो पैगंबर इस्लाम ने कहा वो हमें मानना पड़ेगा। खुदा को दिखाया नहीं, दिखाया नहीं खुदा को, लेकिन आज 1400 बरस हो गए बगैर देखे सब कलमा पढ़ रहे हैं। किस पर यकीन है? रसूल ही पर तो यकीन है ना। अभी तो खुदा नहीं है, वो तो खुदा बाद में कहेगा कि ये मेरा जो रसूल है ये लायक एहतराम। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं, इन 12 दिन मजालिस में आप हजरात मेरा साथ दीजिएगा तो हमारे बच्चों तक एक पैगाम पहुंचेगा ताकि वो गुमराह ना होने पाए। अभी तो रसूल बता रहे हैं ना, अभी खुदा ने नहीं कहा कि ये कौन है, अभी तो रसूल ने कहा कि मैं उसका रसूल हूं, मैं उसका नबी हूं, मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूं। इस बात को कहने से पहले पैगंबर इस्लाम ने दूसरों से, लोगों से, मक्के में रहने वालों से, अफराद खानदान से, खानदान कुरैश से एक सनद ली। वो सनद क्या है, वो सनद क्या है जो ली है? ये कहने से पहले पैगंबर इस्लाम ने सनद ली 40 साल बगैर ऐलान रिसालत के, बगैर ऐलान नबूवत के 40 साल इसी मजमे के सामने रहे जो यहां बैठा हुआ है, इसके सामने पैगंबर इस्लाम की 40 साल जिंदगी है। ये वो मजमा बैठा हुआ है कि जिसमें ऐसे लोग थे कि पूछते थे वो कौन जा रहा है, तो जवाब देने वाले जवाब देते थे वो सादिक जा रहा है।
जवाब देने वाले जवाब देते थे वो अमीन जा रहा है। किसी सिफत का जिक्र उस वक्त होता है जब वो सिफत उस समाज और सोसाइटी में कम पाई जाती है, गौर कीजिएगा, तभी उस सिफत का जिक्र किया जाता है। किसी जनाब के ऊपर डॉक्टर्स नहीं है, नहीं नहीं, एक डॉक्टर है, हर आदमी तारुफ, अरे नहीं डॉक्टर साहब है, ये डॉक्टर साहब है, इसका मतलब और नहीं है, ये है, ये मौलाना है, इस बस्ती में ये मौलाना है, इनकी सिफत ये कि ये मौलाना है, ये है मौलाना, और लोग नहीं है। ये इंजीनियर है, इस बस्ती में ये इंजीनियर है और इंजीनियर नहीं। इसी तरह से बहुत से सिफात, खास सिफात का जिक्र उसी वक्त किया जाता है कि जब उस सिफात के लोग वहां पर या कम पाए जाते हो या ना पाए जाते हो। जब ये जिक्र किया जा रहा है वो कौन जा रहा है, क्या वो सादिक जा रहा है, वो कौन जा रहा है, क्या वो अमीन जा रहा है। इस सिफत का जिक्र इसलिए किया जा रहा है कि खानदान अबू तालिब में ये ऐसी फर्द नजर आ रही है जिसका ताल्लुक सिदाकत और अमानतदारी से है। ये जो कलाम करेगा वो सच्चा होगा, इसके बाद जो चीज रहेगी वो उसका अमीर होगा, खा खुदा हवाले करे खा बंदा हवाले करे। इसकी सिफत अमीर होना है, ये अमानतदार होगा। यही वजह है कि जब खुदा ने दीन को हवाले किया तो अमीन दे के हवाले किया, तो इस हबीब खुदा ने लोगों की अमानतों को जिसके हवाले किया उसको अमीन पा के हवाले किया। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं, जिसके हवाले अमानतों को किया अमीन पा के हवाले किया, जिसको अमानतदार पाया उसने नबी से बढ़कर सवाल नहीं किया कि ए नबी खुदा अमानतें तो आपने मुझे दे दी, मगर ये न बताया कि ये अमानतें किसकी हैं। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं, ये न बताया कि ये अमानतें किसकी हैं। इनका सवाल न करना, नबी का न बताना, इस बात की दलील है कि जो इल्मे नबुवत में है वही इल्मे इमामत में। और बाबा से बहुत से बात कही थे मोहम्मद वाले। यह है बुनियाद हमारे दीन की। दुनिया में और मजाहिब हैं, सच्चे रहबर हों, ईमानदार रहबर हों, हक पसंद रहबर हों, इससे इनकार नहीं, लेकिन हम दावे में इसलिए कामयाब हैं कि हम जिनका कलमा पढ़ते हैं वो मासूम हैं, मासूम अनिल खता, उनकी सीरत, उनका किरदार, उनका उस्वा हसना, उनका उठना बैठना, उनका बोलना, उनका खामोश रहना, सब कुछ मसलहत से है। छोटी छोटी चीजों पर गौर किया कीजिए, नतीजे खुद ब खुद सामने आ जाएंगे। जो आदमी अपने मामले में मोहतात होता है वो दूसरे के मसले में भी एहतियात करता है, जो अपने मसले में मोहतात ना हो वो दूसरे के मसले में एहतियात नहीं करता। रसूल पर इल्जाम लगाने से पहले ये सोचना चाहिए कि ये रसूल कौन है। नबी पर कोई इल्जाम लगाने से पहले ये सोचना चाहिए कि ये नबी है कौन। ये वो है कि जिसके पास नबुवत थी मगर ऐलान नबुवत नहीं किया, ये वो है जिसके पास रिसालत थी मगर ऐलान रिसालत नहीं किया। या नबी खुदा मनसब लिए रहे, ऐलान क्यों ना किया। नबी जवाब देंगे कि मैं जिसका रसूल हूं, मैं जिसका नबी हूं, उसका यह हुक्म था कि जब तक कि मैं ना कहूं उस वक्त तक ऐलान ना करना। अब आप गौर कीजिए, जो मनसब रखने के बाद, अपना मनसब रखने के बाद मनसब का खुद ऐलान ना करे कि मैं नबी हूं, मैं रसूल हूं,
तो जो अपनी रिसालत के मसले में इतना मोहताज हो, जो अपनी नबुवत के मसले में इतना मोहताज हो, वो क्या अली की विलायत के मसले में एहतियात ना करेगा? यही वजह है कि गदीर तक खामोश रहे, तमाम सिफात का जिक्र किया अली की, मगर यह ना बताया कि अली भी मेरी तरह मौला है। जब हुक्म खुदा आ गया तब पैगंबर इस्लाम ने फरमाया अल्लाह मौलाया व अना मौला मोमिनीन फमन कुंतो मौला हो फहाजा अली मौला। धन्यवाद मोहम्मद। निजात का सामान है, उम्मत की निजात की जिम्मेदारी है। इनके बाद बाबे रिसालत बंद हो रहा, इनके बाद बाबे नबुवत बंद हो रहा, अब कोई नबी आने वाला नहीं है, अब कोई रसूल आने वाला नहीं है, अब कयामत तक के लिए लोग आएंगे, उनको रहबर चाहिए, उनको कायद चाहिए, उनको रहनुमा चाहिए, उनको रास्ता बताने वाला चाहिए, उनको हिदायत देने वाला चाहिए। लिहाजा इनकी जिम्मेदारी है कि ये बताएं कि राह नजात क्या है। यही वजह है कि जिनके हवाले नजात थी पैगंबर इस्लाम ने अपनी तरफ से नहीं, जब भी किसी का तारुफ कराया हुक्म खुदा से तारुफ कराया। फर्क क्या है? फर्क यह है कि हम सनद देते हैं मंजिले इम्तिहान से गुजरने के बाद, यहां सनद पहले दी जाती है, तारुफ बाद में कराया जाता है। अब पहचानो कि ये कौन है, जैसा कहा था वैसा पहचाना कि नहीं पहचाना। यहां ये कि मंजिल इम्तिहान से गुजरना है, ठीक है, ये इम्तिहान की मंजिल में आए, ये फर्स्ट डिवीजन है, ये सेकंड डिवीजन है, ये थर्ड डिवीजन है, इनकी ये पोजीशन है, इनकी ये पोजीशन है, ये उनका कोई क्या हुआ, उनका मंजिल इम्तिहान से गुजरे, इम्तिहान में ये कामयाबी मिली। मगर साहिबान इस्मत में क्या है? साहिबान इस्मत में ये पहले तारुफ करा दिया जाता है ये मासूम है। आप इमामत की तारीख पढ़िए तो आपको अंदाजा हो। मौला आपके बाद अभी इमाम कौन होगा? क्या सामने देखो, सामने देखो, मुड़कर देखा, क्या हमारे बाद इमामत इनके पास होगी? सवाल करने वाले ने यह ना बढ़ के कहा कि मौला ये तो बच्चा है, इसके पास आपके बाद मंसरे इमामत। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पहली इमामत ने तारुफ करा दिया, अब इसके बाद जो सिलसिला इमामत है इसमें तारुफ कराने की जरूरत नहीं, मसला आकर पूछते जाओ राह नजात मिलती जाएगी। सलाम भेजे मोहम्मद वालों। कल से इंशाल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, आज तो सिर्फ एक तबीयत ताकि जहन के अंदर यह बात बैठ जाए कि आज किस चीज की जरूरत है, इसलिए कि हर शख्स इस कोशिश में लगा हुआ है और यह बता रहा है कि यह नजात का रास्ता है, यह नजात का सामान है। 1400 बरस से मुहिबान अहले बैत अथहार बगैर अपना अंदाज तबलीग बदले हुए, मुहर्रम का चांद जब नजर आता है तो दुनिया को बता देते हैं कि देखो राह नजात यह है, हमारा ना अंदाज तबलीग बदला है ना हमारा अंदाज अकीदत बदला है, आकर देख लो राह नजात यही है, यही से मिलेगी। दूसरी बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि अक्सर एक बात ये आ जाती है कि सीरत रसूल से बात की जाती है, कुरान में दिखाइए, जिस साल मैंने न्यूयॉर्क में इशरा पढ़ा था उसी साल मौला ने मुझे जवाब दे दिया था, वो जवाब यहां पहुंचा दूं। जब देखिए साहब
कोई भी मौलवी आपसे ये कहे कि साहब सीरत रसूल में ये मिलता है, मौलाना सीरत रसूल तो ठीक है, कहता कुरान में दिखाइए कहां लिखा है। किसी मसले का कोई सवाल मांगने का, भाई देखिए पैगम्बर इस्लाम की सीरत ये मिलता है, उनकी किरदार उनका किरदार ये है और ये रिवायत बताती है, ये हदीस बताती है, उनका नहीं बोलते कुरान में दिखाइए कहां लिखा है। अल्लाह अकबर, इसका अब सीधा सीधा सा जवाब है भाई। पहली बात यह कि कुरान से सवाल करने वालों से अगर कुरान ही के बारे में पूछ लिया जाए तो लाइम होंगे, नहीं मालूम होगा। जो लोग कहते हैं कि कुरान में दिखाइए कहां लिखा है, खाली सूरह हम उनसे कह दिए कि सही सुना दो, नहीं सुना पाए। सवाल ऐसा करते हैं जैसे पूरा कुरान उनके इल्म में हो, लेकिन असल में इसमें तौहीन रिसालत होती है। हमें हदीस नहीं चाहिए, हमें रिवायत नहीं चाहिए, हमें वाकया नहीं चाहिए, हमें कुरान में दिखाइए। इसका मतलब यह कि आप रसूल को शुटला रहे हैं। रसूल कह रहे हैं जो कुछ भी मिलेगा, जो भी राह नजात मिलेगी वो कुरान और अहले बैत में मिलेगी। हम जब अहले बैत के हवाले से बात करते हैं आप कहते हैं कुरान में दिखाइए, इसका मतलब यह कि आपका मकसद यह कि जो हदीस रसूल है वो झूठी साबित हो जाए। इसलिए कि कुरान समझ नहीं पाएगा कोई तो बात समझाई नहीं जा सकती। अहले बैत की सीरत आप लेना नहीं चाहते तो फिर अब इसका जवाब सुन लीजिए। सवाल पर सवाल किया जाए वही जवाब होगा। जो शख्स आपसे यह कहे कि साहब हमें हदीस नहीं चाहिए, हमें रिवायत नहीं चाहिए, हमें कुरान में दिखाइए कहां लिखा है, उनसे आप सवाल कीजिए, आप यह बताइए कि पहले आपको रसूल मिले या पहले आपको कुरान मिले। पूरा मजमा जहां तक आवाज आ रही, ये बताइए कि पहले आपको रसूल मिले या पहले आपको कुरान मिला। अगर पहले रसूल मिले हैं तो हर जवाब सीरत रसूल से मिलेगा, और अगर पहले कुरान मिला है तो हर जवाब आपको कुरान से मिलेगा। फैसला आपको करना है कि कुरान से रसूल मिला या रसूल से कुरान मिला। सलावत मोहम्मद वाले, और बाबा से बहुत शुरुआत दे जय मोहम्मद वाले। मुसलसल मजलिसें हैं यहां, सब मुझसे बेहतर इल्म रखने वाले साहिबान इल्म, साहिबान फजीलत, साहिबान फहम जमा। जो आगाज है, जो बुनियाद है, जो बेस है, वही अहम है। आप अगर उसको हटा दीजिए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। पूरी इमारत यूं ही बैठ जाएगी अगर आप बेस हटा दीजिए। जो तालीम आपको दी जाएगी उसमें इब्तिदा में आपको पढ़ा दिया जाएगा। इंग्लिश पढ़ाई जा रही है तो पहले पढ़ा दिया जाएगा, देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। उर्दू पढ़ाई जाएगी, बता दिया जाएगा ये अलीफ है, ये बे है, ये ते है, ये टे है, ये से है। ये हमेशा याद रखना, पूरी लाइफ में इस जबान में ये आएगा। अरबी पढ़ाई जाएगी, ये अलीफ है, ये बे है, ये ते है, ये से है। जब अरबी पढ़ोगे ये अल्फाज सामने आएंगे। कुरान मजीद के लिए खुदावंद आलम ने पहले ही फैसला कर दिया कि इसको समझ लो, इतनी बात जब समझ में आ जाएगी तब आगे पढ़ूंगा कुरान के कुरान क्या कह रहा है। कुरान सबसे पहले बताए दे रहा है कि जो किताब तुमको दी जा रही है उस पर यकीन रखना, शक ना करना। आगाज यहीं से है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، کتاب سے پہلے ایک ذکر کیا گیا وہ ہے الف لام میم، اس کتاب سے پہلے الف لام میم کی وضاحت تو کریں صاحبان علم کہ یہ الف لام میم کیا ہے، کتاب کا ذکر بعد میں ہے، الف لام میم کا ذکر پہلے ہے. اب جو علماء سے پوچھا ان کا یہ حروف مقطعات ہیں، اے جناب یہ کیا چیز ہے، ان کا بھائی دیکھیں اس کا علم کسی کو نہیں ہے، پھر کس کو علم ہے، ہائے ہائے، ان کا اس کا علم راسخون فی العلم کو ہے، جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے پاس اس کا علم ہے. اس کا مطلب یہ کہ کتاب میں سے جتنا علم آپ کو دیا جائے گا وہ آپ کے علم میں ہوگا، اور جو علم نہیں دیا جائے گا وہ آپ کے علم میں نہیں ہوگا. خدا نے دکھا دیا کہ ظاہر کو دیکھ لو مگر اس کا علم تمہارے پاس نہ ہوگا جب تک کہ درے باب مدینہ تو علم تک نہ ہو. سرایا در محمد وال الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ھدی للمتقین، صاحبان تقویٰ کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے، پہریزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے، خوف خدا رکھنے والوں کے لیے ہدایت ہے. اب سمجھ میں آیا کہ قرآن ہدایت ہے مگر صاحبان تقویٰ کے لیے. اب یہ تقویٰ کیا ہے، یہ وہ بتائے گا جس نے بتایا خدا کون ہے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، یہ تقویٰ کیا ہے یہ کون بتائے گا، یا آپ وہی سوال کیجئے کہ جس نے بتایا کہ یہ خدا ہے، یہ کعبہ ہے، یہ بیت المقدس ہے، اس سے جا کر سوال کیجئے کہ یا رسول خدا تقویٰ کیا ہے، تقوی سے مراد کیا ہے، متقی کس کو کہتے ہیں. اب رسول جواب دیں گے، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، رسول جواب دیں گے، حب علی تقویٰ والایمان، علی کی محبت تقویٰ ہے، علی کی محبت ایمان ہے. قرآن نے یہ بتایا کہ یہ ہدایت ہے صاحبان تقویٰ کے لیے، تو ہادی کا امام ہونا ضروری ہے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ہادی کا امام ہونا ضروری ہے، جب وہ امام ہوگا تو صحیح ہدایت کرے گا. یہی وجہ ہے کہ دنیا کو ہم اعلان کر کے بتا دیتے ہیں، جہاں علی کے اور صفات کا ذکر کرتے ہیں وہیں اذان میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں وہ امام المتقین، اور یہ علی متقین کے امام ہیں. تو جو متقین کا امام ہوگا تو امام کے پیچھے کون ہوگا، صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. صاحبان تقویٰ ان کے لیے ہدایت ہے. اب پتا چلا ہے قرآن مجید میں ہدایت ہے مگر کن کے لیے، ان کے لیے جو متقی ہیں. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اور ان کی صفت یہ کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے. اب پتا چلا کہ متقیوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو کس غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ غیب کیا ہے، کہ ہر وہ غیب جس کا ذکر میرا حبیب کرے، ہر وہ غیب جس کا پتہ میرا رسول بتائے، ہر وہ غیب جس کی جانکاری میرا نبی دے. تو غیب پر ایمان، تو اب غیب پر ایمان ہم نے دیکھا کہ خدا کو دیکھا نہیں،
मगर नबी ने बताया कि वो है। किसी ने आसमान के पर्दे हटाए नहीं खुदा को देखने के लिए, मगर नबी को इतना सादिक माना, इतना सच्चा माना कि खुदा मान लिया। तो खाली खुदा नहीं माना, सिफात खुदा को भी माना। खाली ये नहीं माना अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मैं गवाही देता हूं कोई खुदा नहीं सिवाय वहदहू ला शरीक के, खाली ये नहीं, उसकी जितनी सिफात हैं उन तमाम सिफात को मानो। तो जिस खुदा को मानो, खाली खुदा नहीं मानो, बल्कि जब नबी ने बताया कि वो रहमान है तो उसको रहमान भी मानो, जब नबी ने बताया कि वो रहीम है तो उसको रहीम भी मानो, जब कहा करीम है तो उसको करीम भी माना, जब कहा शहीद है तो उसको शहीद भी माना। जितने भी अस्माउल हुस्ना नबी बताते चले गए, खुदा के मामले में हर हर इस्म के ऊपर कलमा पढ़ने वालों का यकीन अल्लाहु अकबर, यही सबब है, यही सबब है कि जब अली का तारुफ कराया तो जितने सिफात अली में थे, जितने सिफात अली में थे उन तमाम सिफात का जिक्र किया ताकि दुनिया पहचान ले कि खाली अली को मानना काफी नहीं होगा। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं, खाली अली को मानना काफी नहीं होगा बल्कि सिफात के साथ मानना जरूरी है। जब सिफात के साथ मानना जरूरी है तो नबी यही फरमा के जा रहे कि अली की मोहब्बत परवाने नजात है। हाय हाय, एक सिफत यह भी है कि जिसके दिल में अली की मोहब्बत होगी उसके पास परवाने नजात होगा। मोहब्बत आप करके देखिए नजात वो दिला दे। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। हुदल्लिल मुत्तकीन अल्लज़ीन यूमिनून बिल गैब व यकीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िक़ून। नमाज को कायम करते हैं, जो कुछ दिया उसमें इन्फाक करते हैं, तकसीम करते हैं, बांटते हैं, जो दिया उसको रखते नहीं है। तबर्रुक बांटने को हराम नहीं कहते। खाना खिलाने को बिदअत नहीं कहते। दावत देने को हराम करार नहीं देते बल्कि सुन्नत करार देते, क्योंकि उनकी सिफत यह है कि वो इंफाक करते हैं, तकसीम करते हैं। जो भी जब भी अल्लाह ने इनको जो अता किया वो उसकी राह में तकसीम करते। बल लजीना यूमिनूना बिलगैब, अल्लाह इनकी सिफत है गैब पर। नमाजों को कायम करते हैं और जो अल्लाह ने इनको दिया है उसमें तकसीम करते हैं, और जो कुछ भी आ चुका है उस पर यकीन रखते हैं। मैं इंशाल्लाह कल से आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, आज मैंने आपकी खिदमत में यह अर्ज कर दिया कि बस ये बेस है, ये बुनियाद। आगे का जो सिलसिला मजालिस है इसी उन्वान के तहत। जो कुछ भी है ये किसने हमको दिया? ये रसूल ने। हमारी जो मजबूरी है, हमसे जो दुनिया सवाल करती है आप ऐसा क्यों करते हैं, हम सवाल करते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हैं। सबकी अपनी अपनी मजबूरी है ना। जो आदमी जहां से वाबस्ता होता है उसके तमाम कवानीन की पाबंदी करता है। अक्सर बेशतर हमारे यहां बहुत लोग राय देते हैं किसी के डिपार्टमेंट में, ऐसा अगर आप करते तो अच्छा होता। उनका भाई आपने अच्छी राय दी है, मगर हमारे यहाँ जो शरायत है, जिन कंडीशन के साथ हम सर्विस कर रहे हैं उसके अंदर ये सही नहीं है, क्योंकि हमारी सर्विस इससे वाबस्ता है। आपकी अच्छी से अच्छी राय हो मगर हम मानने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि हमारी सर्विस इससे वाबस्ता है। आपकी बहुत सी राय हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, मगर हमारी मजबूरी है कि हमारे अकायद इनसे वाबस्ता है।
और जो हमारे अकायद हैं वो हमारे बनाए हुए नहीं है, उनको हमने नहीं बनाया। जिस रसूल का हमने कलमा पढ़ा, हमने उस रसूल को देखा, जब कयाम करते देखा तो कयाम किया, जब रुकू करते देखा तो रुकू किया, जब सजदा करते देखा तो सजदा किया, जिसकी मोहब्बत में तूने सजदा करते देखा उसकी मोहब्बत को आईने ईमान करार दिया, जिसकी देहोली पर रुक के आए तकदीर पढ़ते हुए देखा, उस देहड़ी को लायक एहतराम करा। किताब नियाबुल मुअद्दत अल बलागुल मुबीन लिखा है कि पैगंबर इस्लाम जब आवाज जब अजान की आवाज बुलंद होती तो हुजूर सरवर कायनात जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा बैतुल शरफ से बरामद होते थे और मस्जिद में दाखिल होने से पहले दरे सैयदा पर रुकते थे, सलाम करते थे, अस्सलाम अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा, अस्सलाम अलैकुम या मादुम मुसा, अस्सलाम अलैकुम या फातिमा तज़हरा सैयदते निसाए आलम, तिलावत करते थे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम रिज़्ज़ा अहलल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा। ये सीरत है रसूल की, मुमकिन है। जैसे मैं अभी आया, जनाब कसीम साहब तशरीफ लाए, इस मजमे को नहीं मालूम कि हम लोग यहां किस तरह से आए, मगर वो दो चार लोग जरूर गवाह होंगे कि जिन्होंने हमारी आमद को देखा है। लेकिन जिस वक्त हम यहां से जाएंगे, जिस वक्त हम यहां पर से निकल रहे होंगे, उस मंदिर के गवाह वो तमाम लोग होंगे जो यहां पर मौजूद होंगे। मुमकिन है कि रसूल के इस अमल का गवाह कोई ना हो, और अगर हो तो चंद अफराद, लेकिन अब तारीख कहती है कि पैगंबर इस्लाम मस्जिद में दाखिल हुए, फरीदे सलात को अदा की, बाज़ो नसीहत, और बाज़ो नसीहत करने के बाद फिर चले। अब जब मस्जिद से चले तो रिवायत फिर लिखती है कि जब मस्जिद से चले तो उसी देहड़ी पर रुके, तो मुमकिन है कि पहले के वाकये का कोई गवाह न हो, लेकिन जब मस्जिद से निकले हैं और दरे सैयदा पर रुक कर सलाम किया है तो इस सलाम के तो गवाह वो तमाम लोग होंगे कि जिन्होंने मस्जिद में नबी के साथ नमाज पढ़ी होगी। हाय हाय मैं कुछ चल कर रहा हूं, वो मजमा तो गवाह होगा कि रसूल का अमल बादे नमाज क्या है, कि रसूल जब नमाज पढ़ के मस्जिद से निकले तो फिर तरह सैयदा पर रुके, फिर उसी तरह से आपने फरमाया अस्सलाम अलैके या अहले बैत नबुव्वा, अस्सलाम अलैके मादिने रिसाला, अस्सलाम अलैके या फातिमा तज़हरा सैयदते निसाए आलमीन, और फिर आयत तहीर की तिलावत की। इस तमाम अमल के वो लोग तो गवाह होंगे कि जिन्होंने रसूल के पीछे नमाज पढ़ी। अब इस गवाही के बाद क्या ये सवाल रह जाता है कि कोई हमसे पूछे कि ये नमाज के बाद किसको सलाम करते हैं? नमाज के बाद हम उन्हीं को सलाम करते हैं जिनको रसूल ने सलाम किया, सलाम मोहम्मद। और बाबा ने बलम सलवा दे दिया मोहम्मद। सीरत रसूल उस्वा हसना है, यही राय।
खुदा से लेकर रसूल तक, रसूल से लेकर अहले बैत, हमें इनकी ड्योढ़ी से जो मिलेगा वही हमारा मकसद हयात। हमारी खुशी इनकी खुशी, हमारा गम इनका गम। हमने तो अपने आप को ढाल दिया है ना इनके हुक्म के सामने, और हुक्म के सामने ढालना ये भाई मामूली बात नहीं है। अगर ये कोई आसान सी चीज होती तो गदीर में रसूल इस्लाम सवाल न करते कि क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पर औला भी तसरुफ हूं कि नहीं। हाय हाय, कितने बड़े शर्म की बात है उन मुसलमानों के लिए कि जिनसे रसूल सवाल करें कि मैं तुम्हारे नफ्सों पर औला भी तसरुफ हूं कि नहीं। फिर पूरा मजमा कह रहा है, तारीख गवाह है, मनसाब वाकिफ है, अच्छी तरीके से जानते हैं, किताबें आप देखें कि पूरा मजमा कह रहा बड़ा या रसूलल्लाह, बेशक ये अल्लाह के रसूल, बेशक हमारे नफ्सों पर औला भी तसरुफ आप। क्या मतलब? मुमकिन है कि कोई चीज हमें बहुत अच्छी मालूम हो रही हो मगर रसूल कहते हैं खबरदार उधर ना देखना, तो इताअत का तकाजा यह है कि फिर उधर ना देखो। बेशक अल्लाह के यकीन है कि किसी चीज को कबूल करने का दिल हमारा नहीं चाहता मगर रसूल कह दें कि इसको कबूल करो, तो इताअत का तकाजा यह है कि उसको कबूल करो। तो ये जो हम आप कर रहे हैं 1400 बरस से उसी इताअत का हमने जब देख लिया कि ये साहिब मनसब है, इसके पास ओहदा है, इसके पास रिजा है, तो फिर उसका किरदार हमारे लिए हुज्जत है, फिर सवाल नहीं करना। फिर तो दुनिया खाली ये मंजर देखे कि हम कर क्या रहे हैं इस मोहब्बत में। हमारे होठों पर मुस्कुराहट तभी आती है जब हम तारीख में इनकी मुस्कुराहट देखते। हमारे सामने कोई गम नहीं होता, कितना ही बड़ा गम, मगर हमारे सामने कोई गम नहीं होता जब तक कि हम उनको रंजीदा ना देखें, अपने दोस्तों की, अपने चाहने वालों की, अपने मुखलिसीन की पहचान बताइए इमाम कि हमारे दोस्त, हमारे शिया जो हमारी खुशी में खुशी का इजहार करते हैं, हमारे गम में गम का इजहार करते हैं, और जरा सी मुस्कुराहट और जरा सा चेहरे का बदल जाना बस यही इसी के अंदर सब कुछ पोशीदा। रिवायत आपकी सबकी सुनी हुई है, खाली दोहरा देना है कि सब बैठे में हैं, पंजतन जमा है, और रसूल इस्लाम अपने फर्जन हुसैन इब्न अली से मोहब्बत का इजहार कर, मुस्कुरा रहे हैं। आपके हर हर अमल का जिक्र किया गया, मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराते मुस्कुराते जुल्फों में हाथ डाला और जुल्फे सहलाने लगे, पेशानी को बोसा दिया। सामने बैठी हुई बेटी इस मंजर को देख रही है, बगैर किसी कौम, बगैर किसी नस्ल, बगैर किसी कबीले, फितरत में यह चीज है कि बाप के मिजाज को बेटी बहुत जल्दी और जुल्फे सहलाने लगे और उसके असर को पेशानी को, उसके असर को, बहुत मुमकिन है कि बेटी किसी मामले में रंजीदा हो लेकिन बाप मुस्कुरा रहा है तो बेटी अपना रंज भूल जाती है, बाप की मुस्कुराहट का साथ देती है। फितरत में तो अभी सैयदा मुस्कुरा रही थी इसलिए कि बाबा मुस्कुरा रहे, उस मुस्कुराहट के साथ है। एक मर्तबा बेटी ने देखा कि बाबा के चेहरे का रंग बदला,
चेरिश की कैफियत। बाबा क्या हुआ बाबा, ए बाबा क्या गुजर गई, अभी तो आप मुस्कुरा रहे थे, अभी तो आप मेरे बच्चे की जुल्फे सवार रहे थे, अभी तो आप खुश हो रहे थे। एक मरतबा चाहने वाले बाप ने अपनी बेटी से कहा, कहां बेटी, कोई बात नहीं, बस वाकया याद आ गया था, आंखों में आंसू आ गए। कहा बाबा कैसा वाकया, क्या हुआ? देखिए आम तौर से मैं आपको एक एक चीज, इंशाल्लाह मजलिसें होंगी और भी और चीजें पढ़ूंगा, लेकिन मसाइब में भी हर चीज का ख्याल रखिए। एक एक चीज आम तौर से उलमा जानते हैं कि मना किया गया है कसम खाने को या कसम देने को। जल्दी से आदमी कह दे नहीं खुदाई कसम की बात नहीं, नहीं करना चाहिए, या कह दे किसी मामले में कि आप कसम खा दिए, या कह दे मामले में कि कुरान उठा लिए, नहीं करना चाहिए। न के अहले बैत के साथ, इसका मतलब ये कोई बहुत बड़ा मसला था। बाबा की इस मुस्कुराहट और मुस्कुराहट के बाद गिरिए में कोई ऐसा राज पोशीदा था कि जिसको सैयदा बस सुनना चाहती थी कि बाबा बता दें क्या, वरना सैयदा कभी कसम का हवाला ना देती। लेकिन जनाब सैयदा का ये कहना कि बाबा आपको आपकी बेटी फातिमा का हक की कसम, हक की कसम है बाबा, जल्दी बताइए कि बात क्या है। अब रसूल क्या बेटी, अभी जिब्राइल आए थे, कहा कि खुदा ने कहा है कि अपने जिस फर्जंद के साथ इतनी मोहब्बत के साथ पेश आ रहे हैं, जिसकी जुल्फों को इस तरह से आप संवार रहे हैं, एक ऐसा दिन आएगा जब इन्हीं जुल्फों में खून भरा होगा और ये फर्जंद वादे को निभा रहा होगा। अब कयामत के मंजर और बेटी बेचैन, दो शख्सियतें ऐसी हैं, आप सीरत अगर पढ़ें, कि जिन्होंने जिंदगी में एक एक मरतबा सवाल किया, एक जनाबे सैयदा हैं और दूसरे जनाबे अब्बास, जनाबे अब्बास की पूरी जिंदगी आप पढ़ जाइए, आपको लफ्ज शिकवा नहीं मिलेगा कि किसी बात की शिकायत की हो, सिवाय इसके कि जिंदगी में जो शिकायत है वो भी सवाल बना। अम्मा से आके खाली इतना कहा था, इतना सवाल किया था, अम्मा ये बता दीजिए कि मेरी खता क्या है। मौला ने सबका हाथ आता हसन के हाथ में दिया, मुझे नहीं बोला एक मर्तबा। वैसे ही सैयदा, बाबा ये वाकया कब होगा, ये वाकया कब होगा? कब मेरी बेटी ना आप होंगी, ना मैं, ना अली, ना हसन। अब सवाल किया सैयदा ने एक पूरी जिंदगी में, 18 बरस की मजलूमा बीवी जिसकी शहादत की तकलीफ को कोई बयान नहीं कर सकता, वो उस मुसीबत को या अली जाने या जहरा जाने, हम तो बस रो देते। अब हमारा आपका जो वजूद है कयामत तक नस्लन बादा नस्लिन, वो इसी सवाल में पोशीदा कि एक मरतबा जनाब जहरा ने सवाल किया, बाबा जब कोई ना होगा तो मेरे लाल पर रोएगा कौन? भैया सैयदा का सवाल था, अदादारों जिस वादे को पूरा करने के लिए आप जमा हुए हैं, हर आंख में आंसू है,
भाई ये वो वादा है जो पूरा हुआ है आपकी सूरत। जब कोई ना होगा तो रोएगा कौन? और ये कह के सैयदा रोने लगी। किस अंदाज से रोई तारीख में नहीं लिखा, किस तरह से रोई तारीख में नहीं लिखा है, लेकिन तारीख में एक हवाला है और वो हवाला ये है कि जल्दी से जिब्राइल आए और जिब्राइल ने आकर कहा ए हबीबे खुदा, खुदा ने बाद दुरूद और सलाम के कहा कि सैयदा ने कह दिया खामोश हो जाए, इनके रोने से अंबिया रो रहे हैं, इनके गिरिए की आवाज बुलंद हुई तो मलाइका में बेचैनी पैदा हो गई, अजिन्ना रो रहे हैं। इनसे कह दिए खुदा कौम को पैदा करेगा जिसके मर्द करबला के मर्दों को रोएंगे, जिसकी औरतें करबला की औरतों का पुरसा देंगे, जिसके बच्चे करबला के बच्चों का मातम करेंगे। हाँ दादारानी महाम, वो वादा पूरा हो रहा है, मर्द भी आकर बैठ गए हैं, औरतें भी आकर जमा हो गई, नन्ने नन्ने बच्चे भी आकर बैठ गए, ये किस मजलूम का जिक्र हो रहा है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अदादारों बस मजलिस तमाम है, ये वाकया इतना ही पढ़ देते तो काफी था, आपकी आंखों में आंसू आ गए, यकीनन सैयदा आ गई होंगी, मगर रिवायत थोड़ा आगे और बढ़ी है, उस रिवायत को तमाम करके मजलिस को तमाम करें। अदादारों इसके बाद एक मरतबा रसूल खुदा ने अपने फर्जंद को, अपने नवासे हुसैन को देखा और हुसैन को देख कर कहा कि मेरे लाल ये कुर्बानी बड़ी सख्त है मेरे बच्चे। का नाना कोई बात नहीं, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार। अब रसूल इस्लाम ने कहा कि हुसैन तन्हा आपकी कुर्बानी नहीं है। का फिर का मालूम है आपका एक बेटा होगा 18 बरस का जवान, बुढ़ापे में जवान बेटे की लाश उठाना पड़ेगी। मेरा दिल कहता है कि शायद हुसैन को रोज़े आशूरा नाना याद आ गए हों कि जब झुक कर सीने से सीना मिलाया है और लाश अली अकबर को उठाया तो जुमला कहा था ए शियों काश तुम करबला में होते, देखते किस तरह से बूढ़ा बाप जवान बेटे की मैयत उठा रहे। जनाब कासिम की शहादत का जिक्र, जनाब ओनो मोहम्मद की शहादत का जिक्र, हर शहादत के जिक्र पर हुसैन कहते थे नाना हम ये कुर्बानी दे लेंगे, हम ये कुर्बानी देने के लिए तैयार। एक मरतबा नाना ने नवासे से कहा मेरे लाल और भी सख्त इम्तिहान है। कहा नाना अब क्या है? कहा एक 6 महीने का बच्चा होगा। उसकी शहादत तुम्हारे हाथों पर होगी मेरे लाल। इस कुर्बानी के लिए भी हुसैन तैयार हो गए। का नाना खुदा से वादा कर लिए। हुसैन सब्र कर कुर्बानी। अब एक मरतबा पैगंबर इस्लाम ने फरमाया और ए हुसैन खाली ये इम्तिहान यहां पर तमाम नहीं होगा। कहा नाना अब क्या? कहा आपकी शहादत के बाद आपकी बहनों के सरों से चादरें छीनी जाएंगी, जहां जहां तक आवाज आ रही है बस तसव्वुर कर लिए, वो हुसैन जो 18 बरस के जवान की लाश उठाने को तैयार, वो हुसैन जो अनु मोहम्मद के लाशें उठाने को तैयार, वो हुसैन जो कासिम का पामाल लाशा उठाने को तैयार, वो हुसैन जो 6 महीने की लाश ले जाने को तैयार। जैसे ही बहनों की चादर की बात सुनी बतारी कह दिया हुसैन सर झुका के बैठ गए। अरे इधर हुसैन ने सर झुकाया, उधर हुजरे का पर्दा उठा,
अली की जैदल बेटी, फातिमा की लाडली सानिया जहरा तेज कदमों के साथ निकल के आई, भाई के गले में बाहें डाल दी। हे भैया नाना से वादा कर लो, बहन चादर देने के लिए तैयार है। नाना से जो वादा किया था वो करबला में पूरा किया गया। अरे इसीलिए मुनादी निदा दे रहा था, ये आले रसूल हैं, ये अली फातिमा की बेटियां जिनको तमाशा अला लानतुल्लाह وسيعلم الذين ظلموا أيام طالنے والے محمد والے حاضرین میں مجلس کی دیو مطالب بیماروں کو شفا کامل عطا، آنے والے ہماری رضاداری کو قبول کرنے، ہماری زندگیوں میں کوئی غم نہ ہو سوائے غم اہل بیت اطہار، جلد از جلد امام زمانے کا دھو تاکہ پرچم ہم بلند ہو کفر پر.